Hey everyone, what's up and welcome back to a new video. काफी दिनों बाद हम एक रिएक्शन लेके आए हैं ध्रुव राठी की वीडियो के ऊपर, जिसका टाइटल है द ट्रुथ अबाउट रामायण श्री राम दिवाली स्पेशल। सबसे पहले तो दिवाली मना रहे हैं हमारे हिंदू भाई लोग, तो उनको हैप्पी दिवाली। ध्रुव राठी भाई ने पहले भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है रिलीजन के ऊपर, हमने कभी उन पे ऑफिशियल रिएक्ट तो नहीं किया, लेकिन मैंने उनके बिट एंड पीसीज इधर उधर देखे हुए हैं। और अगर आप लोग नहीं जानते तो मैं एक बहुत बड़ा रिलीजन बफ हूँ, वो मैं दिखाता नहीं हूँ कहीं, लेकिन मैं डीप डाउन बहुत रिसर्च करता रहता हूँ चीज़ों के ऊपर। और जैसे साहिल साहब हैं पाकिस्तान के, मैं उनको बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करता हूँ। और भी बहुत सारे इस्लामिक स्कॉलर्स हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मेरे फेवरेट जो हैं वो दुनिया से रुखसत कर चुके हुए हैं, डॉक्टर इसरार अहमद साहब। मुझे बस विश ही रहेगी उनको मिलने की, लेकिन मैंने उनको बहुत लेट डिस्कवर किया। इसी तरह बहुत सारे हैं, जिस तरह पीस टीवी पे काम करते थे डॉक्टर जाकिर नायक साहब, उनको मैंने बहुत फॉलो किया अपने बचपन से, उनको तो फॉलो करता हूँ। मैं हिंदू एस्पेक्ट्स भी जानना चाहता हूँ कि उनकी स्टोरीज के पीछे क्या है, तो देखते हैं पहले ये वीडियो। लेकिन इन्होंने एक इस्लाम के ऊपर वीडियो बनाई थी, उसमें काफी मैंने सुना है कि इश्यूज थे, और काफी मुस्लिम कॉलर्स ने भी उसको रिप्लाई दिया था, जैसे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने उसको रिप्लाई दिया था, उसको भी बात करेंगे। पर पहले देखते हैं वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया नबील वर्स को तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और स्लोली स्लोली हमारा सेटअप बनता जा रहा है जो हम कुछ नया करना चाह रहे हैं, तो देखते हैं आज ये वीडियो में क्या डिफरेंस है और हम क्या इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो अगर कोई ऑडियो वीडियो कुछ इशू हो तो उसे दरगुजर कर दीजिएगा, हम इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं, वर्किंग ऑन इट, नया सेटअप है, नई चीज़ें। तो देर ना करते हुए बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। 21 मिनट की वीडियो है यार, थोड़ी लंबी होने वाली है, तो आप लोग देखते रहें। अगर बीच में कहीं मेरा दिल किया कुछ रिप्लाई करने का तो साथ साथ ही कर देंगे, क्योंकि फिर एंड में जाके ना वो बहुत एकदम से बैशअप हो जाती हैं चीज़ें। तो आखिर तक देखिएगा, इन्जॉय करें मेरे साथ। सबको एडवांस में दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पिछले साल रामायण पे मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने डिस्कस किया। अच्छा, मैंने नहीं देखी वो वीडियो। रावण को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, इलॉजिकल आर्गुमेंट्स देकर ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि आखिर रावण इतना भी बुरा नहीं। इन बातों को मैंने उस वीडियो में डिटेल में काउंटर किया था, और आज के इस दिवाली स्पेशल वीडियो में मैं तीन चीजों पर फोकस करना चाहूंगा। पहला, एक आरोप जो कई लोग श्री राम पर लगाते हैं, जब राम अयोध्या वापस लौटे तो उन्होंने प्रेग्नेंट सीता जी को छोड़ दिया। इसके साथ साथ कुछ लोग ये भी कहते हैं कि राम ने शंभुक नाम के एक शूद्र को जान से मार दिया सिर्फ इसलिए वो तपस्या कर रहे हैं। इनफैक्ट ये दो ऐसी चीजें हैं जिनका मेंशन डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी बुकलेट रिडल्स ऑफ राम एंड कृष्ण में भी किया था। दूसरी चीज, रामायण के ऊपर एक पुरानी क्लिप मेरी जो अक्सर कई लोग बार बार फैलाते रहते हैं सोशल मीडिया पर, आज मैं क्लियर करना चाहूंगा कि रामायण के ऊपर मेरी अपनी राय क्या है। और तीसरा, कुछ छपरी लोगों को हम एक्सपोज करेंगे जो राम के नाम पर गंदगी फैलाते हैं समाज में। हम ये समझेंगे कि क्यों राम को नाथू राम से बचाना बहुत जरूरी है। आइए शुरू करते हैं। अच्छा, मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है इन चीजों के बारे में, तो साथ साथ जानेंगे मेरे। तो आपने अक्सर कुछ पुरानी फिल्मों में और स्टोरी बुक्स में देखा होगा कि जब कहानी खत्म हो जाती है तो एंड में लिखा आता है एंड दे लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। पर ऐसा होता नहीं है। चैप्टर 128 को देखिए, छठे कांड यानी युद्ध कांड का आखिरी चैप्टर, इसमें हमारी कहानी खत्म हो जाती है। राम राजा बन गए, विभीषण लंका चले गए, सुग्रीव किष्किंधा लौट गए। राम ने लक्ष्मण को युवराज बनकर शासन करने को कहा, लेकिन लक्ष्मण के मना करने पर उन्होंने भरत को नियुक्त कर दिया। इसके बाद श्लोक 95 से लेकर श्लोक 106 में राम राज्य को डिस्क्राइब किया गया। ये एक ऐसा सेक्शन है जिसे आप कह सकते हो एंड दे लिव हैप्पीली एवर आफ्टर वाला सेक्शन। राम ने पुंडरीक, अश्वमेध, वाजपेय और दूसरे यज्ञ किए और देवताओं को खुश किया। जंगली जानवरों का डर नहीं था, बीमारियों का डर नहीं था, दुनिया में चोर और डाकू नहीं, लोग हजारों सालों तक जीवित रहते थे बिना किसी बीमारी या दुख के। कभी बूढ़े लोगों को जवान लोगों का अंतिम संस्कार नहीं करना पड़ा। पेड़ों पर निरंतर फल और फूल आते थे, बादल सही वक्त पर बरसते थे, हवा का स्पर्श आनंदमय था। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र अपना अपना काम कर रहे थे, अपने काम से संतुष्ट थे, खुश थे और लालच रहित। श्लोक 106 में लिखा है, सर्वे लक्षण संपन्ना सर्वे धर्म परायणा दश वर्ष सहित्र शनि राम राज्य कार्य। इसका मतलब है कि सब में डिस्टिंक्ट क्वालिटीज होती और सब एज पर धर्म बिहेव करते थे, यानी एथिकली बिहेव करते थे, इसलिए राम का राज 10,000 सालों तक चला। अब ये सब सुनकर एक चीज तो आपको क्लियर हो ही गई होगी, ये एक
आफ्टर वाली एंडिंग है कहानी। खुद ही सोचकर देखो क्या सेंस बना कि कहानी इसके आगे भी कंटिन्यू रहे। अगर हमारी कहानी किसी भी सेंस में अधूरी थी तो इतनी डिटेल में इस हैप्पी एवर आफ्टर वाले सेक्शन को लिखने का कोई दुख नहीं बना। और बात कुछ ऐसी है कि जो आरोप यहाँ राम पर लगाए जाते हैं कि उन्होंने सीता जी को छोड़ दिया और एक शूद्र को मारा, वो सब उत्तर कांड का हिस्सा है। और ये उत्तर कांड एक ऐसा एडिशन है जो रामायण की कहानी में बाद में किया गया है, एक ऐसा एडिशन जो इस हैप्पीली एवर आफ्टर की एंडिंग को जबरदस्ती आगे कंटिन्यू रखता है। इसके कई फोर्स्ड सीक्वल कहानी एक्चुअली में वहीं पर खत्म हो जाती है। इस लास्ट हैप्पीली एवर आफ्टर सेक्शन के बाद सिर्फ एक सेक्शन बचता है रामायण में जो है फलश्रुति का सेक्शन। इसमें सिर्फ ये बताया गया है कि क्या अच्छे इफेक्ट्स आप पर होंगे अगर आप इस पर्टिकुलर स्क्रिप्चर को सुनोगे। फाइनल श्लोक 125 में लिखा गया, यह बखान सभी अच्छे लोगों को सुनना चाहिए। बुद्धिमता, दीर्घायु, सेहत, प्रसिद्धि, भाईचारा, होशियारी और कल्याण चाहते हैं। ये है ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण की एंडिंग। और इसी फलश्रुति सेक्शन में एक श्लोक है, श्लोक 108, जिसमें मेंशन किया गया है, यह आदि काव्य है जो सबसे पहले वाल्मीकि द्वारा लिखा गया है। एक बार फिर से इससे साबित होता है कि इस पॉइंट पर स्क्रिप्चर कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर यह भी मेंशन करना जरूरी है दोस्तों कि उत्तर कांड में कुछ ऐसी चीजें लिखी गई हैं जो पीछे की वाल्मीकि रामायण की कहानी को नेगेट करती है, यानी उसकी उल्टी। फॉर एग्जाम्पल, हमने देखा कि कैसे राम राज्य को डिस्क्राइब किया गया है, सभी लोग खुश थे, सब वर्णों के लोग अपना काम करते थे, हजारों साल जीते थे बिना किसी दुख के। लेकिन उत्तर कांड में बताई गई शंभू की कहानी इस डिस्क्रिप्शन के खिलाफ जाती है, क्योंकि इस कहानी में एक ब्राह्मण का बेटा मरता है और उसके बाद उसे बहुत ग्रीव पहुंचता है और उसके बाद शंभू को भी मारा जाता है राम के द्वारा। लेकिन वाल्मीकि ने एंड में लिखा था किसी भी बूढ़े को जवान बेटे का अंतिम संस्कार नहीं करना। एक और एग्जाम्पल सुनिए, इसी कहानी में राम पुष्पक विमान पर बैठकर शंभू को ढूंढते हैं। लेकिन वाल्मीकि रामायण ने जो लिखा था उसके युद्ध कांड के चैप्टर 127, जब राम वापस अयोध्या लौटते हैं तो पुष्पक विमान वापस कुबेर के पास भेज देते हैं। और कुबेर की बात की जाए तो उत्तर कांड के चैप्टर 13 में लिखा गया है कि रावण और बाकी और राक्षस बहुत से ऋषि और देवताओं के यज्ञ को डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये सुनकर कुबेर एक मैसेंजर भेजते हैं रावण के पास। ये मैसेंजर पहले विभीषण से मिलता है और वे उसे रावण के पास ले गए। रावण उस मैसेंजर को मार देता है तलवार के जरिए और राक्षस उसकी डेड बॉडी को खाते हैं। ये कहानी का हिस्सा एक तरीके से प्रीक्वल है जो सीता के अबडक्शन से काफी पहले की बात है। लेकिन वाल्मीकि रामायण की कहानी में जब सीता का अपहरण किया जाता है तो राम काफी सारे पीस मैसेंजर्स भेजते हैं पहले रावण के पास, पहले अंगद, फिर हनुमान। और जब हनुमान को रावण के पास लाया जाता है, रावण सोच रहा होता है कि हनुमान के साथ क्या किया जाए, विभीषण से एडवाइस के लिए पूछता है। सुंदर कांड चैप्टर 52 श्लोक 15, विभीषण कहते हैं किसी दूत के लिए कुछ सजा है, हाथ पैर काट देना, घोड़े मारना, सिर का मुंडन करना, शरीर पर निशान बना देना, लेकिन हमने कभी किसी दूत की हत्या के बारे में नहीं सुना। अब अगर उत्तर कांड की बात को सच मानोगे तो रावण ने कुबेर के मैसेंजर को पहले ही मार दिया था, तो विभीषण ऐसा कहते ही क्यों? तो दोस्तों, इन सब सबूतों को देखकर एक चीज बड़ी क्लियर हो जाती है कि उत्तर कांड ओरिजिनल रामायण की कहानी का हिस्सा नहीं, इसे बाद में ऐड किया गया है। और जिस तरीके से इसकी कहानी ओरिजिनल कहानी को नेगेट करती है, इसे रामायण का कंटिन्यूएशन कभी भी नहीं कंसिडर किया जाना चाहिए। अब एक सवाल आपके मन में आएगा कि उत्तर कांड आखिर लिखा किसने और ये कब लिखा गया। हिस्टोरिकली हमारे पास इसका कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन हम अंदाजा लगा सकते हैं कि एक ऐसी कहानी है जो ब्राह्मणिकल सुपीरियोरिटी और कास्टिज्म को प्रमोट करने के लिए ऐड करी गई। ये दर्शाना कि ब्राह्मण शूद्र के ऊपर है। और सीता की भी जो कहानी है वो एक ऑब्वियस अटेम्प्ट लगता है पेट्रियार्की को प्रमोट करने की, आदमियों के हाथ में ताकत है और आदमी औरत को कंट्रोल करते हैं। ऐसा लगता है कि समाज में कुछ कास्टिस्ट और सेक्सिस्ट लोगों ने रामायण में इस कंटिन्यूएशन को जबरदस्ती ऐड किया ताकि अपना एजेंडा चला सके वो एक समय। और एजेंडा की बात करी जाए तो कुछ लोग आज भी हैं ऐसे जो राम का नाम इस्तेमाल करते हैं समाज में गलत चीजें प्रमोट करने के लिए, बुरी आदतें प्रमोट करने के लिए, जय श्री राम के नारे लगाना, गुंडागर्दी करते हैं, औरतों को गालियां देते हैं। और इन सब लोगों को सबसे ज्यादा तकलीफ भी होती है मेरे रिलीजन के ऊपर वीडियोस देखकर, क्योंकि इन्हें लगता है कि इसने कैसे बोल दिया रिलीजन के ऊपर, ये तो अच्छी बातें बता रहा है लोगों को, अगर धर्म से ये अच्छी चीजें सीखने लग गए तो हम जो धर्म की ठेकेदारी कर रहे हैं वो तो खत्म हो जाएगी। फिर अक्सर ऐसे लोग मुझे बदनाम करने के लिए मेरी पुरानी क्लिप्स आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट दिखाकर शेयर करते हैं सोशल मीडिया पर कि देखो मैंने पहले क्या कहा था। एक ऐसी ही क्लिप मेरी रामायण के ऊपर ये शेयर करी जाती है लोगों के द्वारा, तो लोग बता सकते हैं कि वो ब्रिज एग्जिस्ट करता है, इसलिए ये एक्चुअली में हमारी स्टेट कहानी जैसे में हुई। लेकिन थोड़ा सा लोग एक लेवल तक सोचते हैं, उससे ज्यादा डीप नहीं जाते रहते, वो क्वेश्चन को भी फिर इसी अप्लाई करते हैं क्या एक मैनमेड चीज का
स्पाइडरमैन एग्जिस्ट होना प्रूव करता है कि उनकी कहानी असली होगी। क्या ये वो लॉजिक नहीं होगा कि स्पाइडरमैन में न्यूयॉर्क शहर दिखाते हैं, तो न्यूयॉर्क शहर तो असली में एग्जिस्ट करता है तो स्पाइडरमैन भी असली होगा, स्पाइडरमैन भी असली में एग्जिस्ट नहीं होता। इस क्लिप में मैं कह रहा हूँ कि कैसे जब मैं छोटा बच्चा था 7-8 साल का, मैंने रामायण सुनी और मुझे लगा कि यार ये चीज़ें कैसे पॉसिबल हो सकती, कैसे हो सकता है कि उस जमाने में एरोप्लेन्स हुआ करते थे और कोई पहाड़ी को उठाकर समुद्र के पार ले जा सकता था। जब मैं बच्चा था तब भी मुझे यकीन नहीं हुआ इन चीज़ों को, मैंने ऐड किया कि ये तो वैसी कहानियाँ होगी जैसे सेंटा क्लॉज की कहानियाँ होगी। ये इंटरव्यू मैं करण सिंह के साथ कर रहा था, फेमस मैजिशियन मेंटलिस्ट। वो भी बताते हैं कि कैसे जब वो गुरुद्वारा जाते थे तो उनके पेरेंट्स उन्हें लेकर जाते थे लेकिन उन्हें भी भगवान में विश्वास नहीं। हम यहाँ पर मोटे मोटे तौर पर डिडक्टिव रीजनिंग और एथिज्म की बात कर रहे थे। मैंने क्रिटिकल थिंकिंग और लॉजिकल फैलेसी समझाने के लिए स्पाइडरमैन का एग्जाम्पल लिया, कैसे स्पाइडरमैन की कॉमिक्स में न्यूयॉर्क शहर का जिक्र किया जाता है। अब न्यूयॉर्क शहर तो असली में एग्जिस्ट करता है लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि स्पाइडरमैन भी असली है। सिमिलरली मैंने कहा कि अगर राम सेतु यहाँ पर असली है तो इसका मतलब ये नहीं कि रामायण में बताई गई कहानियां असली हो जाएंगी, लेकिन मैंने ये कभी नहीं कहा कि रामायण कभी हुई नहीं। ये बात बड़ी क्लियर है कि रामायण एक रिलीजियस स्क्रिप्चर है जिसे इतिहास में लिखा गया था। हिस्टोरियंस का एस्टिमेट है कि वाल्मीकि रामायण को 7th सेंचुरी और 4th सेंचुरी BC के बीच में कभी लिखा गया, लेकिन क्या इस लेख में लिखी गई कहानियां असली में हुई थी या नहीं इसके बारे में अनफॉर्चुनेटली हम कभी जानते। मेरा पर्सनली मानना है कि हो सकता है ये चीजें हुई हो पास, लेकिन उस तरीके से नहीं जिस तरीके से इन्हें लिखा गया है। ये लेख मेरा मानना है कि एक मेटाफोरिकल लेख है। जब बात करी जाती है कि भगवान हनुमान ने पूरी की पूरी पहाड़ी उठा ली और समुद्र पार उसे उड़ा कर ले आए, ये चीज फिजिकली पॉसिबल नहीं है, ये एक बच्चा भी समझ सकता है, लेकिन हो सकता है ये एक मेटाफर की तरह लिखा गया, क्योंकि अक्सर राइटिंग और कम्युनिकेशन में मेटाफर्स का इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। अगर मैं कहता हूँ कि देखो सौरभ कितना मुश्किल और कितना ज्यादा काम करता है, उसने तो अपने कंधों पर पूरा का पूरा पहाड़ उठा रखा है, या फिर एक कहावत है ना कि तुम्हारे लिए तो मैं 7 समुद्र पार कर जाऊंगा। अगर मैं किसी को ये कहता हूँ तो इसका लिटरली मतलब नहीं है कि मैं 7 समुद्र पार कर जाऊंगा या फिर सौरभ ने लिटरली अपने कंधों पर पहाड़ उठा रखा। इस मेटाफर का मीनिंग है कि वो बहुत मेहनती है। 7 समुद्र पार करने का मतलब है कि मैं पूरी जी जान लगा दूं। इसके अलावा ये भी पॉसिबल है कि रामायण को लिखते वक्त अतिशयोक्ति अलंकार का इस्तेमाल किया गया, मतलब लिटरेचर में अक्सर रियल इवेंट्स को डिस्क्राइब करते हुए राइटर्स और पोएट्स अक्सर चीजों को एग्जैजरेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने हॉलीवुड फिल्म देखी है 300, इसमें एक हिस्टोरिक बैटल दर्शाई गई है पर्शियंस और ग्रीक्स के बीच। ये बात सच है कि ये बैटल इतिहास में एक्चुअली में हुई थी और ग्रीक्स बड़े बहादुरी से लड़े थे, लेकिन कई एंशियंट ऑथर्स ने और फिल्म वालों ने भी इस चीज को बड़े एग्जैजरेटेड तरीके से दिखाया है। 300 स्पार्टन्स 10 लाख पर्शियंस के खिलाफ लड़े, ये नंबर हाईली एग्जैजरेटेड। हिस्टोरिकल एविडेंसेस के अनुसार इन 300 स्पार्टन्स को मदद करने के लिए कुछ 7,000 से लेकर 10,000 की ग्रीक आर्मी थी और ये 10 लाख पर्शियंस के खिलाफ नहीं लड़े। पर्शियंस का जो नंबर था वो एस्टिमेट किया जाता है कि 70,000 से लेकर 3 लाख के बीच में हुआ हो। नो डाउट ये बहुत ही डिस्प्रोपोर्शनल और ऐतिहासिक बैटल थी, लेकिन फिल्मों में पोएट्स और राइटर्स अक्सर चीजों को एग्जैजरेट करते हैं, चीजों को लार्जर देन लाइफ दिखाने के लिए ताकि वो और एंटरटेनिंग बन सके। वैसे ये हिस्टोरिकल और माइथोलॉजिकल कहानी अगर आपको पसंद आती है तो मैं कहूंगा कुकू FM को जरूर चेकआउट कीजिए, वहां पर ढेर सारी ऐसी बढ़िया ऑडियो बुक्स आपको मिलेगी, जैसे कि ये रावण डिमोटी और डीमन, धर्म रक्षक युधिष्ठिर, अग्नि सी पावन सिया, ऑब्वियसली रामायण तो है ही और उसके साथ साथ वीर हनुमान पर भी एक अपल हो सकता है इस इंडिया टुडे के आर्टिकल को देखिए। और ये जो सारी ऑडियो बुक्स के मैंने नाम बताए इनके लिंक्स भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। कुकू FM में धन्यवाद इस वीडियो को स्पॉन्सर करने के लिए। और अब टॉपिक पर वापस आते हैं, इसका एक और एग्जांपल हो सकता है इस इंडिया टुडे के आर्टिकल को देखिए जिसमें लिखा गया है कि महाराणा प्रताप एक 80 किलो की स्पीयर कैरी करते थे, साथ में दो दो तलवारें जिनका वजन टोटल में 208 किलो होता था और उनके आर्मर का वजन 72 किलो, तो टोटल में अपनी बॉडी पर वो 360 किलो लेकर मैदान में जंग पर उतरते थे। अब नो डाउट महाराणा प्रताप बहुत ही बहादुर थे, ताकतवर थे, लेकिन 360 किलो अपनी बॉडी पर लेकर जंग लड़ना ये फिजिकली इम्पॉसिबल है। ये पोएट्स और राइटर्स का एक एग्जैजरेशन। इसका सच पता करने के लिए उदयपुर के सिटी पैलेस म्यूजियम में जाकर देखिए जहाँ पर महाराणा प्रताप के आर्मर और हथियार रखे हुए हैं और उनका वजन भी वहाँ मेंशन किया गया है 35 किलो। ये मेरी राय है रामायण के ऊपर, लेकिन आप में से अगर किसी को लगता है कि एक्चुअली में एक पहाड़ को उठाकर समुद्र के ऊपर से उड़ना पॉसिबल है, फिजिकली पॉसिबल है, तो आप यकीन कीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं अगर आप इस चीज में यकीन करते हैं। अब कुछ लोग होंगे जो ये सुनकर कहेंगे हिम्मत है तो मुसलमानों के बारे में बोल,
हिंदुओं के बारे में क्यों बोलता है। इस पर मैं कहूंगा कि मैंने एक इब्राहिमिक रिलीजियंस पर भी वीडियो बनाया, इस वीडियो की बात कर रहा था, उसमें मैंने क्लियरली कहा है कि इस्लामिक और क्रिश्चियन स्क्रिप्चर्स की भी कुछ कहानियां हैं जो माइथोलॉजी, इवन दो प्रॉफिट मोहम्मद और जीसस क्राइस्ट हिस्टोरिकल फिगर्स हैं, लेकिन मिरेकल्स की कहानियां इनसे अटैच करी जाती है, वो हिस्टोरिकल नहीं, कुछ चीजें ऐड ऑब्वियसली बाद में हो जाती हैं। ये हुआ है वैसे, क्या पता यार, वैसे हनुमान ने भी किया हो। वैसे इस्लाम में और कुरान में भी ये लिखा हुआ है कि दूसरे के रिलीजन की तनकीद नहीं करो, क्योंकि फिर वो आपके रिलीजन की करेंगे। तो डिबेट नहीं करो, आपके जो कॉमन ग्राउंड्स हैं ना, कॉमन टर्म्स हैं, उनके ऊपर बात करो ताकि पीस रहे। मुझे भी नहीं पड़ता, टू बी ऑनेस्ट, मैं हिंदू रिलीजन की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, टू बी ऑनेस्ट। मुझे ये बोलते हुए मुझे पता है कि कुछ मुसलमान बोलने लग जाएंगे कि यार तू हिंदू है, जा इंडिया चला जा, जो उधर होता है जा पाकिस्तान चला जा, और ये मैंने सुने अपने दोस्तों में भी। देखें, इन आर रिलीजन ना मूर्ति पूजा, जो किसी आइडल वर्शिप, वो मना है, ठीक है, और वो मोस्टली हर रिलीजन में मना है। अब हिंदू रिलीजन में भी वो मना है, लेकिन वो ऐड हो चुकी हुई हैं चीज़ें उनके रिलीजन में। सिखिज़म में भी मना है, ठीक है, और मोस्टली हर रिलीजन में एक ही गॉड, एक ही एंटिटी, एक ही डीएनटी जो भी है उसका जिक्र किया जाता है, ठीक है। तो मोस्टली हर रिलीजन में मूर्ति पूजा मना है, तो उस चीज़ पे मैं नहीं आता हूँ। लेकिन जो ये अपने भगवानों की बातें करते हैं, अब देखें, मैंने किसी की वीडियो देखी थी, उसमें उसने बोला था कि हम हिंदू हैं जो किसी को भी भगवान बना देते हैं, एक मुसलमान है जो सिर्फ एक अल्लाह को गॉड समझते हैं। इसी तरह क्रिश्चियनिटी में भी कुछ एडिंग हो चुकी हुई है, कुछ तबका उनका जीसस को गॉड समझता है, कुछ तबका जीसस को गॉड का बेटा समझते हैं। इसी तरह जूश में भी ऐसा हो चुका हुआ है, हज़रत उज़ैर, नहीं हज़रत हज़रत दाऊद को वो अल्लाह का बेटा समझते हैं। तो इसी तरह 124,000 प्रॉफिट्स आए हैं दुनिया में, ठीक है। तो मुझे याद है मेरे जो ग्रेट ग्रैंडफादर होते थे ना, वो मुझे स्टोरी सुनाते होते थे ये हिंदू गॉड्स की, क्योंकि वो इंडिया से ट्रैवल करके आए हुए थे, माइग्रेट करके आए हुए थे। तो वो बोलते थे कि ये सारे वाक्य हुए हैं, लेकिन वो ये भी बोलते थे कि हो सकता है ये अपने वक्तों के नबी हों, तो इसलिए हम इन लोगों को बुरा नहीं बोलेंगे, क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी अपने वक्त के नबी हैं ना, हमें उनको मानना भी है, उनको डिफेंड भी करना है। हम ये नहीं कह सकते कि राम कोई नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था। हम उनके जो काम है ना, जो उनके फॉलोअर्स जो काम करें, जो गलत काम करें, उस पर पॉइंट आउट कर सकते हैं, लेकिन हम उनकी गलत बातें ज़रूर पॉइंट आउट करेंगे, जो हमारे अकॉर्डिंग टू इस्लाम कुरान में जो गलत बोली गई हैं वो हम पॉइंट आउट कर सकते हैं, लेकिन वो चीज़ें जो उन्होंने सही की हुई हैं उन पर नहीं हमने बोलना, और उनको गलत भी नहीं बोलना उस वे में जो चीज़ उन्होंने सही की हुई हैं। तो मेरे दादा, मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर जी मुझे बोलते थे कि हो सकता है ये लोग प्रॉफिट हो, तो हम इन लोगों को कुछ नहीं बोलेंगे। और ये जो मॉन्स्टर्स और ये जंगें, ये सुपर वॉर्स जो हो चुकी हुई हैं पहले,
इनको हम कुछ नहीं बोलेंगे। और इसी तरह अब जैसे इन्होंने बोला कि चांद को दो टुकड़ों में किया, ये तो अब कुरान में भी है ना कि क़यामत से पहले चांद दो टुकड़े होगा, तो वो हो चुका हुआ है। इसी तरह इसमें जब वाइन बनाने वाला वाक्य है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का, वो गलत है। अब सूरज वाले वाक्य पे मुझे कोई नॉलेज नहीं है कि इनके जो हनुमान जी ने सूरज निगल लिया था, अब मुझे नहीं पता ना उनके पीछे क्या वाक्या था और क्या हुआ था, लेकिन मैं बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूँ हर चीज़ को। और इस पूरे वाक्य में ना मैं आपको सजेस्ट करूँगा साहिल आदम को आप सुने, वो बहुत अच्छी थ्योरीज़ बनाते हैं, मुझे अच्छी लगती हैं उनकी थ्योरीज़। और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जो कि अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी नोआ, उनका जो वाक्य है ना अकॉर्डिंग टू हिम सुने तो आपको काफ़ी चीज़ें फील होंगी कि बहुत कुछ हो चुका हुआ है। और जैसे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज ट्रैवल हुई थी, जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ट्रैवल करके गए थे अल्लाह के पास, वो ये सारी चीज़ें हो चुकी हुई हैं। तो मेरा तो बिलीव है, मैं बचपन में मैं थोड़ा सा डिसबिलीव हो गया था इनकी तरह, एथियस्ट हो गया था, लेकिन फिर मैंने दोबारा से रिसर्च की, हर रिलीजन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा, तो मुझे जो कॉमन ग्राउंड दिखे ना उसमें मैं भाई अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। आगे देखते हैं, वही बात होगी, राम का नाम लेते वक्त की क्वालिटीज को याद करते, इन वैल्यूज को प्रमोट करते, उन वैल्यूज को टीचिंग तो आपकी जिंदगी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। राम एक बहुत बढ़िया मॉडल है मैस्कुलिनिटी, फिट और स्ट्रांग रहना लेकिन हम्बल और कंपैशनेट होते, यही कारण है कि मैं अपने आप को एक हिंदू एथिस्ट बुलाता हूं। मेरी वैल्यूज को शेप किया है, मेरे संस्कार को, और कल्चरली भी मैं हिंदू रिचुअल्स को फॉलो करता हूं, किसी दूसरे को नीचा दिखाने के लिए नहीं, जैसे कि आज के दिन ये बहुत से सो कॉल्ड कट्टर हिंदू करते हैं, बल्कि क्योंकि मैं दिल से करना चाहता हूं अपने लिए। हरियाणवी कल्चर में अच्छा, किसी भी रिलीजन में ना एक्सट्रीमिज्म मना किया गया है, और कुरान में भी ये लिखा है कि मुसलमान बनो लेकिन एक्सट्रीमिस्ट नहीं बनो। और जितना मैं आपको बोलूं कि लॉस के बारे में इस्लाम में बोला गया ना, कोई रिलीजन के बारे में नहीं बोला गया। चार बुक्स जो आई हैं जो कुरान में लिखी हुई हैं, उनके अलावा और भी स्क्रिप्चर्स आए हैं, लेकिन हमें सिर्फ इन्हीं के बारे में बोला गया तो हम इन पे बिलीव करेंगे, लेकिन हम दूसरों के स्क्रिप्चर्स के बारे में कुछ बोल नहीं सकते। जैसे कि अब हिंदुओं के स्क्रिप्चर्स में भी लास्ट प्रॉफिट के बारे में लिखा गया है, तो बहुत सारी चीज़ें वर्ल्ड हिस्ट्री में हुई हैं जो हमें आखरत में ही पता चलेंगी। मैं तो बिलीव करता हूँ आखरत में, टू बी ऑनेस्ट, पहले मैं एथियस्ट था, अब नहीं हूँ। वैसे भी राम का नाम इतनी बार आता है कि इन सब चीज़ों को याद रखना वैसे ही आसान रहता है। जब भी मिलते हैं राम राम ताओ, जब भी जाते हैं चलो अच्छा जी जय राम जी, अमेज होने का एक्सप्रेशन हे राम, उदास होने का एक्सप्रेशन हे मेरे राम के करो, जब चीख मारी जाती है छत्रपति राम जी, जब बारिश होती है राम जी बरस कर, जब कंफ्यूजन होता है राम जाने के होया के ना, जब कसम खानी होती है राम की सो। लेकिन आज दोस्तों राम का नाम खतरे में, राम के नाम को बहुत बदनाम किया जा रहा है। आपने वो कहावत सुनी है ना, मुंह में राम बगल में नाथू राम, ये बात आज के दिन सच बन गई। महात्मा गांधी जी एक बहुत बड़े राम भक्त थे, लेकिन आज के दिन नाथू राम गोडसे के छपरी फॉलोअर्स राम को हाईजैक करने की कोशिश करते हैं। नाथू राम गोडसे देशभक्त थे, हैं और रहेंगे। गोडसे जी को देवता तो मैं मानता हूं, गोडसे जी को गोडसे जी बहुत हमारे प्राण स्मरणीय है। विरोधी है, एक चीज सुनिए, अरे गोडसे विरोधी है कि नहीं है? नहीं है, देश को नहीं है, नहीं है। हमें रिपोर्ट्स देखने को मिलती है कि कैसे कुछ छपरी बदमाश लोग औरों को जबरदस्ती करते हैं। जय श्री राम बोल, मध्य प्रदेश की खबर, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की खबर, कानपुर, उन्नाव, गाजियाबाद, राजस्थान के अलवर, दिल्ली में, असम में, झारखंड में, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, बिहार, हैदराबाद, तेलंगाना, इस तरीके की खबर देश के कोने कोने से सुनने को मिलती है। लोगों को मारा जाता है, आग जलाई जाती है, लिंचिंग करी जाती है राम के नाम पर। इन लोगों को ऐसी खबरें दिखाओगे तो इनकी तरफ से जवाब आता है कि लेकिन अरे उन मुसलमानों का क्या, वो भी आगे स्लोगन्स उठाते हैं, क्या आप स्लोगन्स को सपोर्ट करते हो? नहीं, कोई भी नॉर्मल इंसान ऐसे स्लोगन को सपोर्ट नहीं करेगा। कौन सा स्लोगन था, म्यूट क्यों था? है कि मुस्लिम गलत कर रहा है तो हम भी करेंगे, वो दूसरा कुएं में कूद रहा है तो हम भी जाके कूदेंगे। अगर मुस्लिम्स को कॉपी ही करना है तो ये महान मुस्लिम लोगों को कॉपी कर सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, या फिर डॉक्टर सलीम अली द बर्ड मैन ऑफ इंडिया, या फिर मोहम्मद रफी। लेकिन नहीं,
इन्हें कॉपी करना है तो ये मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट को कॉपी करें। इस्लामिक आतंकवादी उसामा बिन लादेन, हाफिज सईद, जिन्होंने इस्लाम का नाम खराब किया, अब ये सैफरन गमछा ओढ़े छपरी लोग राम का नाम इसी तरीके से खराब कर रहे हैं। अल्लाहू अकबर का मतलब है गॉड इज ग्रेट, एक बहुत अच्छी चीज है इसे कहना। लेकिन इस्लामिक आतंकवादियों ने हमला करते वक्त दुनिया भर में इस अल्लाहू अकबर की जान का इतनी बारी इस्तेमाल किया है, खबरों को देखो। सही बोल रहे हैं। अल्लाहू अकबर के नारे लगाए, शाउटेड अल्लाहू अकबर, ही पुल्ड आउट अ नाइफ एंड अटैक्ड शाउटिंग अल्लाहू अकबर। आजान की प्रेयर शुरू होती है अल्लाहू अकबर कहने से, क्योंकि आपको पीस देती है अंदर से, शांति की। आई पर्सनली लव अजान, जब हम लोग तेलुगु फिल्म की शूटिंग कर रहे थे लखनऊ में, सो आई कट्टरवाद लोग इसी स्लोगन का इस्तेमाल करते हैं वॉर क्राई की तरह आतंकवादी हमले करते हैं। सिमिलरली जय श्री राम एक ऐसा स्लोगन है जिसे सुनकर मन के अंदर शांति आ जानी चाहिए। लेकिन अब हमें क्या देखने को मिलता है कि वायलेंट भीड़ जाएगी इन लोगों की, हाथ में तलवारें और हथियार लिए और जय श्री राम के नारे लगाए थे। न्यूज आर्टिकल्स को देखो। हम सब हिंदू लोग पूजा करते हैं मंदिरों में जाकर, लेकिन ये हथियार ताने छपरी लोग मस्जिदों में पहुंच जाते हैं हिंदू के त्योहारों में। राम का नाम इस्तेमाल करके ये जेनोसाइड के स्लोगन उठाते हैं। ये लोग अक्सर सोशल मीडिया पर लिखकर रखते हैं धर्मो रक्षति रक्षित, कहते हैं कि ये इसलिए कर रहे हैं कि ताकि ये धर्म को बचा सके। यार मुझे ना इससे एक वाक्या याद आ गया, मैंने कहा शेयर कर दूँ, इतनी लंबी वीडियो तो हो ही गई हुई है। ये बोलते हैं कि हमें अपने धर्म को बचाना होगा, तो इससे मुझे ना अबाबील का वाक्या याद आ गया। जिस ईयर में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे, तो एक कबीले ने काबा के ऊपर हमला किया था। तो उस टाइम में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दादा थे ना अबू तालिब, वो प्रोटेक्ट कर रहे थे उस एरिया को, क्योंकि उनके पास प्रोटेक्शन थी काबा की। तो उन्होंने बोला था कि मुझे मेरे जानवर दे दो, काबा की प्रोटेक्शन अल्लाह खुद कर लेंगे। और फिर उस साल लाइफ में, हिस्ट्री में मेरे ख्याल से एक ही बार हुआ जब काबा को प्रोटेक्ट करने खुद छोटी सी चिड़िया आई थी मुंह में हाथी के साइज़ के पत्थर लेके, तो उन्होंने उस कबीले के ऊपर फेंके थे और काबा को प्रोटेक्ट किया था। तो जब किसी भी रिलीजन को प्रोटेक्शन चाहिए होगी ना, गॉड खुद कर लेंगे, मेरा तो ये बिलीव है। आप बस अपने मॉरल क्लियर रखो, क्योंकि हमारे रिलीजन में तो ये लिखा हुआ है कि जिस दिन, देखो दी आर्मागेडन तो होना ही होना है ना, लास्ट वॉर, दुनिया हर रिलीजन में ख़त्म होनी है। तो आपके लिए क़यामत तभी आ जानी है जब आपने मरना है। तो उससे पहले पहले आप अपने अमाल से ही रखो, अपने जो आपका एक सर्कल है ना उसको बेहतर रखने की कोशिश करो, बाकी बिगर पिक्चर में खुद ही सही हो जानी है सारी चीज़ें। तो आगे देखिए, सिर्फ सोशल मीडिया पर ये लोग माँ बहन की गाली देने का काम करते हैं। ये वो गलत लगता है मुझे। बार-बार लिखा गया है अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म है। रामचरितमानस में तुलसीदास कहते हैं पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। परोपकार से बढ़कर दूसरा धर्म नहीं है और किसी को दुख पहुंचाने से बढ़कर कोई दूसरा अधर्म नहीं। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड चैप्टर 14 श्लोक 3, जिन्हें धर्म का ज्ञान है वे कहते हैं कि सत्य ही सर्वोच्च धर्म। तो धर्म का मतलब है अपनी मॉरल ड्यूटी करना, अपना धर्म निभाना। लेकिन आज कुछ लोग धर्म के नाम पर रेप करने वाले दरिंदों को मिठाई खिलाते हैं, लिंचिंग अक्यूज के सपोर्ट में महापंचायत कराते हैं, एप्स बनाकर औरतों की नीलामी करते हैं। मैं छपरी लोगों को चैलेंज करना चाहता हूँ, वाल्मीकि रामायण में एक भी श्लोक दिखा दो जो इस नफरत को जायज ठहराता हो। वैसे ये लोग चैलेंज तो तब एक्सेप्ट करेंगे ना जब इन्हें पढ़ना लिखना आता हो। इसलिए मैं कहूंगा दोस्तों कि हम सभी समझदार हिंदुओं को इकट्ठा होकर इनके खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है, ताकि हम राम को बचा सके नाथ राम से। कोई धर्म के नाम पर आपको बेवकूफ ना बना सके, इसलिए रिलीजियस स्क्रिप्चर्स को खुद से पढ़िए। मैं पूरी वाल्मीकि रामायण का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, और जब टाइम मिले पढ़कर देखना कि क्या वैल्यूज वहां सिखाई जाती है। जय जय राम, जय सिया राम। वीडियो पसंद आया तो यहाँ क्लिक। यार टू बी ऑनेस्ट ना,
हर रिलीजन का यही सीन है। एक्सट्रीमिस्ट, हालांकि कुरान में खुद लिखा गया है कि एक्सट्रीमिस्ट रिलीजन को जो फॉलोअर करते हैं ना, एक्सट्रीमिस्ट नहीं बनना है किसी भी रिलीजन में। इक्वालिटी मैटर्स। तो हर रिलीजन की बुक को, आप किसी भी रिलीजन को फॉलो करते हो ना, मेरा तो ये मानना है कि अगर आप उसको सही तरीके से खुद पढ़ लो ना, बनिस्बत वो जो टीचर्स बिठाए गए हैं, फेक टीचर जिनको पंडित कहते हैं, मौलाना कह देते हैं, जिन्होंने अपने हाथ में लिया हुआ है, फादर कह देते हैं, वो ना एक्सट्रीमिस्ट चीज़ें डालते हैं बीच में, पॉक कह दो जो भी है, तो वो बाद में ना चीज़ें ख़राब होती हैं। तो खुद पढ़ो, खुद समझो, खुद सीखो। बाकी वीडियो मुझे अच्छी लगी है, मैंने बीच में अपना फीडबैक बीच में ही दे दिया था, तो अगर आपको भी समझ लगी ये चीज़ तो लाइक करें, कमेंट करें, और इस तरह के और रिव्यूज़ देखने के लिए कमेंट्स में लाजमी मुझे बता दीजिएगा। देखने हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं, फॉलो मी ऑन एवरी सोशल मीडिया हैंडल्स। एंजॉय लाइफ, स्टे ब्लेस्ड, हैप्पी बाय, टेक केयर, पीस।